सो गाइस आज है हमारे सामने बड़ी प्यारी सी एक फैमिली हैचबैक गाड़ी, आप देख सकते हो। एंड ये है ग्रैंड आइटन नियोस। इसका ये टॉप एंड वेरिएंट है, ऐसा वेरिएंट है। करते हैं इसका एक वॉक अराउंड एंड जानते हैं इस गाड़ी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर मैं इसके फ्रंट को आपको दिखाऊँ तो इसका फेसलिफ्ट वर्जन आया था, तब से इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। लाइटिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको स्कैटर्ड इसकी ग्रिल का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, Hyundai का लोगो यहाँ बड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल फ्रंट का लुक आप देख सकते हो इसका। नीचे आपको यहाँ पे इसके DRL देखने को मिल जाते हैं। फॉग लैंप इस गाड़ी में नहीं है, ये इसका पूरा फ्रंट में ग्रिल है। एंड यहाँ पे आपको ये देखिए अलग से यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको एयर वेंट्स की तरह ये रियल है, ये देखिए यहाँ पे आपको एरोडाइनमिक्स के लिए एयर वेंट्स दिए हुए हैं इस गाड़ी में। बताइए 7-8 लाख की गाड़ी में आपको एयर वेंट्स देखने को मिल रहे हैं और आप क्या ही लोगे। इसका अगर मैं साइड आपको दिखाऊं तो साइड लुक इसका कुछ ऐसा है। 3 कर्टन क्रीज इसमें देखने को मिलती है आपको, एक यहाँ पे है लाइट्स के साथ ये कनेक्ट हो रही है, एक नीचे आपको देखने को मिल जाती है। एंड आपको एक ये रियर जो इसकी टेल लाइट्स है इसके साथ कनेक्ट होके एक आपको यहाँ पे आपको मिल जाती है। ग्रैंड i10 का यहाँ पे आपको बैज देखने को मिल जाता है एंड क्रोम फिनिश में आपके आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। ORVM पे आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है एंड Hyundai की हिस्ट्री है कि वो अपनी गाड़ियों में फीचर्स तो बहुत सारे देती है। अब अगर इसके टायर्स की बात करें तो टायर्स इसमें 175/60R15 के इसमें अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। एंड अलॉय व्हील का आप डिज़ाइन देखिए, जो इसका प्राइस कैटेगरी है, इतने फैंसी और इतने प्यारे अलॉय व्हील आपने किसी और गाड़ी में नहीं देखे होंगे। एंड ये है इसका पूरा साइड लुक, आप देख सकते हो। बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी गाड़ी है फैमिलीज के लिए। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में इसमें रूफ रेल्स भी देखने को मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। एंड अब मैं इसका अगर रियर दिखाऊं तो रियर में वही जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है, आपको कनेक्टेड आपको यहाँ पे टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। एंड ये गिमिक है पूरा, ये नहीं जलता, ये यहीं तक जलता है। एस्टा का वेरियंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड नियोस की बैजिंग यहाँ पे है, ग्रैंड i10 की बैजिंग एंड Hyundai की बैजिंग यहाँ पे है। 2 पॉइंट आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं एंड नीचे है ये रियर रिफ्लेक्टर। अब इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस इसमें कुछ ऐसा है, लगभग 300 लीटर का इसमें बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। ये है इसका हैजर्ड ट्राइंगल। एंड स्पेयर टायर की अगर बात करें तो स्पेयर टायर है 165/70R14, तो नॉट एन अलॉय व्हील। एंड ये आपको छोटे साइज में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक लैंप देखने को मिल जाता है एंड पार्सल शेल्फ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। एंड अगर अब मैं यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मैंने दिखाई दिया था, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड रियर डिफोकर। यहाँ पे आपको रियर विंडो वॉशर एंड वाइपर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है, तो आप फीचर्स देख लीजिए 8-10 लाख की गाड़ी में आपको कितने मिल रहे हैं। अब चलते हैं इसके अंदर देखते हैं इस गाड़ी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है एंड स्मार्ट ऑटो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। सबसे पहले इसकी जो सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, आप देख सकते हो। पूरा यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में ये जो डोर ओपनर है वो देखने को मिल जाता है, डोर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड सिर्फ ड्राइवर का है। यहाँ पे आपको डोर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। फोल्डेबल एंड रिट्रैक्टेबल ऑटोमेटिक ORVMs हैं, तो ORVM के कंट्रोल सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी की दिखाऊँ आपको तो की देखिए, इसकी की बिल्कुल ऐसी देखने को मिलती है जैसी आपको Hyundai की बड़ी गाड़ियों में मिलती है। तो यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर देखने को मिल जाता है एंड पीछे आपको यहाँ पे Hyundai का लोगो भी देखने को मिल जाता है। इसको रखते हैं साइड में, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको स्टेयरिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये देखिए सिल्वर फिनिश दी गई है एंड फ्लैट बॉटम के साथ ये नहीं आता है एंड लेदर रैप्ड स्टेयरिंग है ये, या ये सिर्फ फील है, शायद ये फील ही है, लेदर रैप्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ फीलिंग बड़ी प्यारी है, फीलिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको सारे मीडिया के, म्यूजिक के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं एंड इधर आपको क्रूज कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाता है। स्विफ्ट एंड i10 के अलावा इस प्राइस रेंज में शायद ही कोई गाड़ी क्रूज कंट्रोल देती है। एंड ये है इसका जो यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आपको ये जो बीच में दिया गया है उसके लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं। अब इसका फ्यूज स्विच यहाँ पे हटाया हुआ है, ये देखिए, तो इसके लिए ये कह रहा है टर्न ऑन फ्यूज स्विच। अब मुझे पता नहीं ये कहाँ से ऑन होगा, चलो इसको बाद में देखते हैं एंड करते हैं आगे की बात। यहाँ पे आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है, जो कि बड़ी शानदार चीज़ है एंड इसमें टर्न इंडिकेटर्स के ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। एंड इधर आपको फ्रंट एंड रियर विंडो वॉशर एंड वाइपर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
स्टार्ट स्टॉप पुश बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाता है एंड हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है। सर्कुलर शेप में आपको एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं एंड सिल्वर इंसर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश भी देखने को मिलती है एंड ये सारा आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डिजाइन भी देखने को मिल जाता है, फोन वगैरह आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो। हैजार्ड एस जो बटन है वो आपको यहाँ दिया गया है एंड एसी के जो बीच के सेंटर वेंट्स हैं यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है एंड नीचे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है एंड इसमें आपको ये देखो लगा हुआ आता है फैक्ट्री फिटेड एंड ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को भी सपोर्ट करता है। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको यूएसबी का ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड ये भी आपको वायरलेस चार्जिंग, देखिए इस गाड़ी में भी आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है। ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड यहाँ पे आपको ये देखिए लेदरेट फिनिश में ये दिया गया है। यहाँ पे आपको इसका मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है एंड ये है इसके ट्विन कप होल्डर की मैंने आपको दिखाई दी एंड ये यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं है। अब अगर मैं इसके सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो ये गाड़ी सीटिंग कंफर्ट में बहुत अच्छी है और जितनी छोटी ये गाड़ी है मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतनी अच्छी होगी। और मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। इसकी जो सीटिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत बढ़िया लगी। लेदरेट प्लस फैब्रिक स्टिच कपड़े के साथ ही आती है एंड इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हो काफी अच्छी है एंड ब्लैक इंसर्ट्स इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग IRVM देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए माइक यहीं पे दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई मिरर देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियसली क्रेटा में नहीं मिलता तो इसमें कहाँ से मिलेगा। एंड इधर आपको एक मिरर मिल जाता है विद एयरबैग बैजिंग। ये हो गया पूरा फ्रंट का। यहाँ पे आपको ये देखिए, ये वही है। अगर मैं इसके फीचर्स दिखाऊं तो आपने ये वेन्यू एनलाइन में भी देखा था जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो इसमें वही सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सेम आप देख रहे हो इसको। अब चलते हैं इसके पीछे, पीछे देखते हैं इस गाड़ी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब पीछे की बात करें तो पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे रियर में आपको यहाँ पे डोर ओपनर देखने को मिल जाता है, पावर विंडो का कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। सीट बेल्ट इसकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है लेकिन इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं जो कि Hyundai ने अब स्टैंडर्ड किया हुआ है अपनी हर गाड़ी में, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बीच में यहाँ पे आपको इसकी जो केबिन लाइट्स है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई मैगजीन होल्डर देखने को नहीं मिलता है, इधर आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है एंड सीट्स इसकी स्कूप्ड आउट है जिसकी वजह से जो इसका लेग रूम है वो देखिए कितना ज्यादा है। मेरी हाइट 6 फीट से ज्यादा है एंड आप इसमें लेग रूम देख सकते हो, लगभग ये देखिए लगभग आपको 5 से 6 इंच अभी देखने को मिल रहा है एंड ये सीट लगभग मेरे हिसाब से ये 6 फीट से ज्यादा मेरी हाइट है। यहाँ पे आपको एक डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, हुक देखने को यहाँ देखने को मिल जाता है एंड इधर आपको कोई हुक नहीं मिलता है, डोर हैंडल मिल जाता है। और अब अगर मैं इसके सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा इस गाड़ी के जो अंडर थाई सपोर्ट है उसकी। आप देख सकते हो कहाँ तक इसमें मेरा अंडर थाई सपोर्ट आ रहा है, बिल्कुल मेरी थाइज को पूरा इसने आराम दिला रखा है। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो है एंड ये मुझे बहुत प्यारी चीज लगी। पीछे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं एंड क्रेटा में Hyundai ने ये ब्लंडर किया हुआ है, इसमें दिए हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता भाई Hyundai किस तरीके से अपनी गाड़ियों में फीचर्स दे रही है। एंड ये तीनों एडजस्टेबल है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बीच में ये सिर्फ ऐसे ही है नॉन एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको तीनों देखने को मिल जाते हैं। तो किस समझ से Hyundai को ऐसा लगता है कि क्रेटा में पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं एंड Hyundai इसमें i10 Nios में आप 3 लोग आराम से बैठा सकते हो। वाह भाई वाह। पीछे पार्सल शेल्फ है और पीछे बाकी यही है, आपको डेडिकेटेड 3 सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है। मैंने आप इसका लेग रूम दिखा दिया, इसका अंडर था सपोर्ट दिखा दिया एंड अगर मैं इसके हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी बहुत एडिक्वेट है। ये फोन अभी मेरे सर के ऊपर रखा हुआ है एंड तब भी जो फोन है और रूफ है उसमें मैं अपनी उंगली आराम से दे रहा हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। टॉल बॉय डिजाइन तो नहीं है इस गाड़ी का इतना, लेकिन जो सीटिंग का कंफर्ट है वो Hyundai ने बहुत अच्छे तरीके से इस गाड़ी में एडजस्ट किया हुआ है। तो इस बात पे Hyundai को 10 में से 10 मार्क्स में देता हूं भाई, बड़ा बढ़िया काम कर रखा है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, आप स्पीड भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो इसकी एंड यहाँ पे आपको एक 12 वॉट का सॉकेट देखने को मिल जाता है, कोई यहाँ पे USB-C या माइक्रो USB का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है एंड बीच में इतना बड़ा हम्प भी नहीं है और आराम से इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। बड़ी ही बढ़िया इसमें मुझे जो एक सीटिंग कंफर्ट लगा, मुझे बड़ा ही आराम मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटी गाड़ी है तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ, बस एडजस्ट करके नहीं मैं बैठा, बड़े आराम से बैठा हूँ। ये देखिए लेग रूम भी कितना ज़्यादा है, तो मैं इस चीज़ से बहुत सरप्राइज हूँ भाई, इतना अच्छा काम इस गाड़ी में Hyundai ने कर दिया। बाकी अगर मैं पीछे से इसका पूरा डैशबोर्ड दिखाऊं तो डैशबोर्ड इसका कुछ ऐसा है, बड़ा क्लीन सा है एंड क्योंकि वाइट ऑफ वाइट कलर एंड ग्रे कलर इसमें आपको देखने को मिलता है तो काफी एयरी केबिन लगता है। ये था इसका पूरा
एक ग्रैंड आई10 न्यूज की एक वीडियो। आपको ग्रैंड आई10 न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।